Dear parents and students, assalamu alaikum. Today I am here with another video. Now open my numbers book P3 page number 94. First of all student, you must write down date here. There were 9 bananas. यहाँ पर हमारे पास 9 केले थे. A monkey takes away 2. दो जो है वो मंकी ने खा लिए. मैं दोबारा से कैप्शन पढ़ देती हूँ. देयर वर 9 बनानास, अ मंकी टेक्स अवे 2. तो हम 2 को हम क्रॉस कर देंगे कि मंकी ने 2 ले लिए हैं. हाउ मैनी बनानास आर लेफ्ट. हाउ मैनी बनानास आर लेफ्ट. लेट काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7. हमारे पास 9 बनानास थे, मंकी ने 2 बनानास खा लिए, तो हमारे पास बाकी 7, तो हमारे पास बाकी 7 बनानास रह गए हैं. देयर वर 8 कैरेट्स. लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर 8 कैरेट्स थी. अ डंकी टेक्स अवे 2. 2 कैरेट्स जो है वो डोंकी ने खा ली. देखिए डोंकी खा रहा है ना कैरेट्स, इसने इसके पास 2 कैरेट्स हैं तो वो उसने खा ली. तो हम 2 कैरेट्स पे क्रॉस कर देंगे क्योंकि 2 जो हैं वो कैरेट्स वो डोंकी के पास हैं. हाउ मैनी कैरेट्स आर लेफ्ट. लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6. देयर वर 4 बोन्स. यहाँ पर कितनी बोन्स हैं? बोन्स हड्डियों को कहते हैं. 1 2 3 4. यहाँ पर 4 बोन्स थी. अ डॉग टेक्स अवे 1. देखिए डॉग्स ने एक बोन जो है वो ले ली है, तो हम इसमें से 1 को क्रॉस कर देंगे. हाउ मैनी बोन्स आर लेफ्ट. हाउ मैनी बोन्स आर लेफ्ट. बाकी कितनी हड्डियाँ बची? लेट्स काउंट इट. 1 2 3. लेफ्ट का मतलब होता है बाकी कितने बचे. हमारे पास 9 बनानास थे जिसमें से मंकी ने 2 खा लिए, बाकी हमारे पास 7 बच गए. 8 कैरेट्स थी, 2 जो है वो डोंकी ने खा ली, तो हमारे पास बाकी लेफ्ट हुई 6. 4 बोन्स थी, 1 देखें डॉग ने ले ली, तो हमारे पास कितनी रह गई? 3. तो प्यारे बच्चों, आपने ये पेज सॉल्व करना है, इस टेक्स अवे के कॉन्सेप्ट को और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझना भी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.